नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए पंजाब के किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों पर पंजाब हरियाणा के बीच पड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाली हर सड़क पर भारी बैरिकेडिंग की गई है। इतना ही नहीं बल्कि किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दाग दिए गए हैं। पंजाब हरियाणा के हजारों किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य वाहनों से दिल्ली आ रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। 26-27 नवंबर को किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया है। इसमें भारतीय किसान यूनियन के कई समूह शामिल हैं। किसानों संघ दिल्ली जाने की कोशिश के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने योगेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक, तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर रखी है तो किसानों ने भी कर रखी है। उनका कहना है कि हम कई बार निवेदन करे हमने इनसे, और ये हमारे हम आपको देखेंगे, फिर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर थोड़ी सी मूवमेंट यहाँ पर होगी तो टीयर गैस का पहले गोले, ये टीयर गैस से गोले दागे गए। अभिषेक, सीधे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये टीयर गैस सेलिंग हो रही है यहाँ पर किसानों के ऊपर। आप देखेंगे किसान यहाँ आगे पहुंचे थे, उन पर जो है टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें जो है हमारे कैमरामैन से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी आंखों को थोड़ा सा बचा के रखें। तो ये सीधे सिंघू बॉर्डर से जहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसानों को बोला जा रहा है कि आप पीछे जाएं, अगर पीछे नहीं पहुंचे तो आपके ऊपर। आप देखेंगे तस्वीरों में सौरभ कैमरामैन को आप कहें कि इन टीयर गैस को लेकर के जी अभिषेक अभी कुछ मत कहिए, अभी आप कुछ मत कहिए अभिषेक, क्योंकि हमारे कैमरामैन को हमने पकड़ लिया है, उनकी उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, उन्होंने एक फ्रेम दिखा रहे हैं आपको, कोशिश है धीरे से, क्योंकि यहाँ पर धुआं बहुत है अभिषेक, तो उन्होंने एक स्टैटिक फ्रेम दे रखा है जहाँ पर आप धुआं देख रहे होंगे। ये दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। हमारे कैमरामैन किस तरीके से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है किसानों को तितर बितर किया गया है। किसान आपको देखेंगे बीच बीच में अभिषेक कि वो टीयर गैस अपने हाथ में लेकर के डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बाल्टी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों को तितर बितर किया गया है वापस एक बार। तो सिंघू बॉर्डर में 9 बजे के बाद वापस एक बार डिफ्यूज करने की कोशिश की गई है, उनको खाली कराया गया है। ये सीधे तस्वीरें अभिषेक हम लोग दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से अपने दर्शकों को। हमारे कैमरा पर्सन ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, उनकी उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने टीयर गैस फायर किए हैं और किसानों को वापस पीछे खदेड़ा गया है। आप देखेंगे तो ये किसान लगभग ये 500 मीटर का एक घेरा बनाया गया था, जिसको भेद करके किसान आगे आए थे, और अब जो है इनको ये देखेंगे, ये किसान आप देखिए किसान के जो है ट्रैक्टर्स ये तस्वीरें देखिए सीधे लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के ही जवान हैं जो पहले लेयर को भेदने की कोशिश की थी, इनको पीछे किया गया है अभिषेक। थोड़ा सा ट्रैक्टर्स का आप देखेंगे, ट्रैक्टर वापस ले जा रहे हैं, और ये वहां पर देखिए ये जो हाथ में जो है टीयर गैस के, ये एक नए तरीके के टीयर गैस है, उसको हाथ से उसको ओपन करके किसानों के ऊपर फेंका जा रहा है, और किसान लगातार फिर से वापस कूच कर रहे हैं। अभिषेक ये देखिए तस्वीरें, किसान वापस एक बार फिर कूच कर रहे हैं दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर, काफी इन पर शेलिंग की गई थी जी, इन पर शेलिंग की गई है। माफ कीजिएगा अभिषेक, थोड़ा सा मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि गले में थोड़ा सा भाप आ गई है, तो उसके लिए माफी जरूर चाहेंगे, लेकिन लगातार कवरेज हम लोग दिखा रहे हैं। किसी तरीके से फिर से वापस से किसान आगे आ रहे हैं, तो जैसे इनको पीछे खदेड़ा गया था वापस से किसान आगे की तरफ आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सचिन गुप्ता हैं जो लगातार दिखा रहे हैं आगे बढ़ करके, तो रुक लें आप। जी अभिषेक ये तस्वीरें दिखाने बहुत जरूरी हैं। आप देखेंगे ये दिल्ली पुलिस के लोग भी आगे जा करके इनको खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं।